हेलो मित्रों, जय माता दे। मित्रों, 25 मार्च 2020 को चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है और इस नवरात्रि एक महासंयोग बन रहा है, जिनके कारण आपको निश्चित रूप से एक काम जरूर करने होंगे, जिनको करने के बाद आप अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा सफलता पा सकोगे और आप अपने सभी दुख तकलीफों को दूर कर सकोगे। माता आपके सभी कष्टों को दूर करेंगे और इस नवरात्रि के दिन बनने वाले महासंयोग के कारण आपको आपके जीवन में चल रही परेशानियों से छुटकारा मिल सकेंगे। मित्रों, आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से, वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सकें। मित्रों, नवरात्रि 9 दिनों तक देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना का पर्व होता है। शास्त्रों में हिंदू नववर्ष की शुरुआत चैत्र महीने से ही यह मानी जाती है। वैसे तो साल भर में 4 बार नवरात्रि आती हैं, लेकिन चैत्र और आश्विन मास की नवरात्रि देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम मानी गई है। ज्योतिष शास्त्र की माने तो इस बार चैत्र नवरात्रि बेहद ही शुभ योगों के साथ आ रही हैं, जिन कारण इस शुभ योगों में की गई माँ दुर्गा की उपासना शुभ और फलदायी रहेंगे। आज के हम इस वीडियो में साल 2020 चैत्र नवरात्रि पर्व की शुभ तिथियाँ, कलश स्थापना, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त और साथ ही साथ चैत्र नवरात्रि पर बन रहे शुभ योगों के बारे में आपको बताएंगे और इसके साथ जानेंगे कि इन शुभ योगों में कौन से काम आपको सफलता दिला सकेंगे और आपको कौन से काम विशेष रूप से करने चाहिए। मित्रों, साल 2020 में चैत्र नवरात्रों का आरंभ 25 मार्च बुधवार से शुरू होकर 2 अप्रैल तक गुरुवार तक चलेंगे। कलश स्थापना शुभ मुहूर्त जो है वो 25 मार्च बुधवार प्रातः काल 6:19 से प्रातः काल 7:17 तक रहने वाले हैं। ऐसे में मुहूर्त काल की कुल अवधि 58 मिनट होंगे। प्रतिपदा तिथि ये 24 मार्च मंगलवार शाम को 2:57 पर प्रारंभ हो रही हैं और प्रतिपदा तिथि समाप्त होंगे 25 मार्च बुधवार के शाम को 5:26। कलश स्थापना प्रतिपदा तिथि पर करना बेहद ही शुभ माना जाता है। ऐसे में आपको विशेष रूप से आप पूजा पाठ अवश्य करें। मित्रों, देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि को काफ़ी शुभ माना जाता है, लेकिन इनकी खासियत और महत्व तभी होती हैं जब इस दौरान ग्रह और नक्षत्रों का कोई महासंयोग बनता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस बार चैत्र नवरात्रि में 4 सर्वार्ध सिद्धि योग और 1 अमृत सिद्धि योग और 1 रवि योग का खूबसूरत संयोग बन रहा है। और इस तरह देखा जाए तो इस नवरात्रि में 6 सिद्ध योग बनने के कारण इन दिनों की गई पूजा और उपासना और किसी कार्य को आरंभ करना सबसे अधिक सुफल देने वाला होंगे। नवरात्रों का आरंभ घट स्थापना और घट स्थापना से ही होते हैं। घट स्थापना प्रतिपदा तिथि में करनी चाहिए। इस दिन प्रातः काल स्नान आदि करके और स्वच्छ वस्त्र दान करके व्रत का संकल्प लें और मिट्टी की वेदी बनाकर उसमें जो बोलें इस वेदी पर घट या कलश की स्थापना करें। अब 1 नारियल में चुनरी और लपेट कर कलश के ऊपर स्थापित करें। विधिवत समस्त देवी देवताओं का पूजन करें। इसके बाद माता रानी को पूजन सामग्री अर्पित करते हुए उनका श्रृंगार करें। घट स्थापना के बाद दुर्गा सप्तमी का पाठ और अखंड ज्योत जलाकर 9 दिनों तक माँ की सच्ची भक्ति और आराधना करनी चाहिए। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि साल 2020
चैत्र नवरात्रों में बनने वाले शुभ योगों के कारण यह नवरात्रि देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए और आप अपने भाग्य को कई गुना अधिक मजबूत करने के लिए बेहद ही शुभ हैं। शास्त्रों के अनुसार इन शुभ योगों के प्रभाव से आपको लाभ मिल सकेंगे और आपको कुछ जरूरी बातों का ध्यान भी रखने होंगे। तो आइए जानते हैं कि यह कौन से कार्य हैं जिन्हें नवरात्रि के दौरान करने से माँ के आशीर्वाद और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण की जा सकती हैं और आपको बताएंगे। चलिए नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के बाद माता रानी को आप मखाने का हलवा या खीर का भोग लगाएं। इससे व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कन्याओं को माता रानी का ही स्वरूप माना जाता है, इसलिए नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन और कन्याओं का भोग अवश्य लगाने चाहिए। कहा जाता है कि इससे भक्त रूप द्वारा की गई भक्ति का पूर्ण फल उसे प्राप्त होते हैं। नवरात्रि में दुर्गा चालीसा का पाठ आप अवश्य करें, इनसे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ते हैं। वास्तु शास्त्र अनुसार उत्तर पूर्व दिशा में घटिया कलश स्थापना करना सबसे उचित माना गया है, क्योंकि यह दिशा देवी देवताओं की होती हैं। मित्रों, ऐसे में आप माता की पूजा उपासना करके सारे के सारे मनोकामनाओं को और कष्टों को आप दूर करके अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकोगे। आपका दिन बेहतर बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो। जय माँ विंध्यवासिनी। हेलो मित्रों, जय माँ।